गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं प्रोजेक्ट सॉल्यूशन इंफ्रा से सिविल इंजीनियर बोल रहा हूँ। टुडे आज डिस्कस करूँगा वन काठा लैंड एरिया अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ऑफ पंचायत बिल्डिंग रूल्स। पंचायत बिल्डिंग रूल्स गाइडलाइन में वो कैसे प्लान बनेगा, यही डिस्कस करूँगा मैं। जो लैंड विड्थ है 24 फीट एंड लैंड का लेंथ जो है 30 फीट। फ्रंट में जो रोड है वो 10 फीट, वो जो फ्रंट में रोड है 10 फीट वाइड एंड जो 3 फीट ओपन पेज रखा, 3 फीट जो है ओपन पेज रखा अकॉर्डिंग टू ग्राम पंचायत रूल्स। एंड फास्ट प्रोवाइड किया वो स्टेयरकेस। स्टेयरकेस जो विड्थ है वो 6 फीट विड्थ रखा है। यहाँ पे स्टेयरकेस से अंदर वो मेन एंट्रेंस दिया है। वो स्टेयर के से जब इनसाइड में जाकर किचन कम डाइनिंग में पहुंचा है। यहाँ पर साइज है 12 फीट × 3 इंच, 12 फीट 3 इंच × 11 फीट। देन आएगा बेडरूम, बेडरूम को साइज है 10 फीट × 9 फीट। देन आएगा बरंदा, 3 फीट वाइड बरंदा। बरंदा में प्रोवाइड किया फ्रंट साइड में, क्योंकि ना वो ब्यूटिफिकेशन के लिए वो अच्छा होगा। बेडरूम जो प्रोवाइड किया वो साउथ फेस में बेडरूम प्रोवाइड किया। वो जो विंडो प्रोवाइड किया वो 4 फीट बाई 4 फीट विंडो प्रोवाइड किया। तो 2 विंडो है वो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए अच्छा है। किचन कम डाइनिंग में जो विंडो प्रोवाइड किया वो 2 फीट × 2 फीट 2 विंडो प्रोवाइड किया, वो क्रॉस वेंटिलेशन तो दिया है अच्छा होगा। ओनर में जो है वो 4 फीट × 8 फीट टॉयलेट में जो विंडो दिया 1.5 फीट × 1.5 फीट। जो एक्सटर्नल वॉल प्रोवाइड किया वो 8 इंच है। यहाँ पे ओनर में जो है मिडिल में जो कॉलम प्रोवाइड किया, यहाँ पे कॉलम है 10 इंच × 10 इंच। जो आउटर जो इंटरनल जो वॉल है वो 5 इंच है। जो ये जो बिल्डिंग बनाता है वो 1 BHK रूम बोलता है। यहाँ पे जो कॉर्नर में जो प्रोवाइड किया ये सेप्टिक टैंक है। ये सेप्टिक टैंक का इनलेट है इधर पे, वो आउटलेट है। टोटल लैंड एरिया 24 फीट × 30 फीट इज इक्वल टू 1 काटा एंड कवर एरिया 18 फीट × 24 फीट इज इक्वल टू 432 स्क्वायर फीट एंड कॉस्ट आ जाएगा 5.5 लाख अप्रॉक्स। सो थैंक यू। जो वीडियो शेयर करना तो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, ठीक है।